नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गठिया यानी कि आर्थराइटिस के घरेलू उपाय यानी कि होम रेमेडीज के बारे में। दोस्तों, हड्डियों और जोड़ों में होने वाला रोग आर्थराइटिस यानी कि गठिया व्यक्ति को रोजमर्रा के कामों को करने में चुनौती पैदा कर सकता है और इस रोग में जोड़ों में दर्द, जकड़न और सूजन रहती है और जिससे कि चलने फिरने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, ये सूजन जो है गांठ का रूप भी ले सकती है जो कि ज़्यादा तकलीफदायक साबित होती है और इन लक्षणों के अलावा गठिया होने पर प्रभावित अंग लाल पड़ सकता है। व्यक्ति जो है घुटने, कूल्हे, कंधे, हाथ या पूरे शरीर के किसी भी जोड़ में गठिये का दर्द महसूस कर सकता है। गठिया जो एक दर्दनाक रोग है और इसका दर्द हल्के से शुरू होकर गंभीर हो सकता है। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार खून में यूरिक एसिड की अधिक मात्रा होने से गठिया रोग होता है और जब हड्डियों के जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो वह गठिया का रूप ले लेता है और इसमें रोगी के जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन हो जाती है और इस रोग में जोड़ों में गांठें बन जाती और इसीलिए इस रोग को गठिया कहा जाता है। दोस्तों, डॉक्टरों के अनुसार कार्टिलेज उत्तकों की मात्रा की कमी से कई प्रकार के गठिये होते हैं। कार्टिलेज जो है जोड़ों का एक नरम और लचीला उत्तक है। जब व्यक्ति चलता है तो जोड़ों पर दबाव पड़ता है। कार्टिलेज जो है वो प्रेशर और शॉक को अवशोषित कर जोड़ों को बचाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटी आर्थराइटिस इन दोनों गठिया के प्रकारों में डॉक्टरों की सलाह से दवा लेना जरूरी है, लेकिन घरेलू उपचार और जीवन शैली में बदलाव भी इसके उपचार में महत्वपूर्ण हो सकता है। जहां पारंपरिक उपचार सूजन और बीमारी को नियंत्रित करने के लिए काम करते हैं, उसी बीच ऐसे प्राकृतिक उपचार हैं जो इसके इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि गठिया के दर्द से निजात पाने के क्या क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं। तो दोस्तों, गठिया के लिए सबसे पहला उपाय जो है वो है अदरक। दोस्तों, हल्दी की तरह अदरक में भी प्राकृतिक रूप से सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं और यह दर्द और सूजन को कम करने के लिए एक अच्छा उपाय है। प्रभावित जगह पर अदरक का तेल लगाने से कठोरता को कम करने में भी मदद मिलती है और इसकी चाय तैयार करने के लिए 2 से 3 ग्राम अदरक का उपयोग करें और इसे हर सुबह पिए। इसका अधिक सेवन भी ना करें क्योंकि इससे आपके पेट की परेशानी भी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों, जो उपचार है वो है लहसुन। दोस्तों, सुबह 3 से 4 कच्चे लहसुन की कलियां खाने से संधि शोथ के दर्द और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। यह गठिया के कारण हड्डियों में होने वाले परिवर्तन को रोकता है और गैर गठिया रोगी भी इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह एक प्रभावी जड़ी बूटी है जो कि गठिया को रोकती है। उसके बाद दोस्तों, जो उपाय है वो है लाल मिर्च। तो दोस्तों, लाल मिर्च गठिया के लक्षणों को कम करने में बहुत प्रभावी है। इसके सक्रिय संघटक में से एक है कैप्साइसिन जो कि दर्द को कम करने में बहुत अच्छा होता है। जो मलहम या क्रीम कैप्साइसिन से मिलकर बने होते हैं उन्हें प्रभावित हिस्सों पर दैनिक रूप से लगाया जा सकता है और यह दर्द का इलाज करने में भी प्रभावी होती है। कैप्साइसिन जो है वो नसों के दर्द को उत्तेजित करता है और इस प्रकार इससे दर्द कम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, जो उपाय है वो है सेब का सिरका। दोस्तों, सेब का सिरका कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे खनिजों में समृद्ध होता है और इसीलिए यह जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में उपयोगी है और इसके अलावा यह जोड़ों और संयोजी उत्तकों में से विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करता है। 1 कप गर्म पानी लें और इसमें 1 चम्मच सेब का सिरका और शहद मिलाएं और इस घोल को रोज सुबह आप पिए। उसके बाद दोस्तों, जो एक तरीका है वो है मालिश करना। दोस्तों, गठिया जो है वो दर्द और सूजन से छुटकारा पाने के लिए सरसों के तेल के साथ मालिश करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तेल जो है वो प्राकृतिक मरहम के रूप में काम करते हैं और रक्त प्रवाह को उत्तेजित करते हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल गर्म करें और अगर आपको सूजन भी है तो तेल के बराबर मात्रा में प्याज का रस मिक्स कर सकते हैं। दर्दनाक जोड़ों पर धीरे से इसे रगड़ें और फिर प्लास्टिक रैप के साथ कवर करें और गर्म तौलियाँ लगाएं। सर्वोत्तम परिणाम के लिए बिस्तर पर जाने से पहले इस उपाय को आप दोहरा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो उपाय है वो है शाला की। दोस्तों, बोसवेलिया की छाल से निकला गोंदराल जो होता है वो गठिया के लिए एक शक्तिशाली उपाय होता है जो कि भारतीय लोबान या फिर शाला की से निकलता है। यह लंबे समय से एंटी आर्थराइटिक के रूप में इस्तेमाल की जा रही है और इसमें कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं जिसमें कि सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं और जो गठिया के कारण दर्द और सूजन को कम करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होते हैं। अगर दिन में 3 बार 300 से 400 मिलीग्राम बोसोवेलिया नियमित रूप से ली जाती है तो यह गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटियस गठिया का भी इलाज कर सकती है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, लेकिन गर्भावस्था में या स्तनपान के दौरान इसका उपयोग आपको नहीं करना चाहिए।
उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो है हल्दी। दोस्तों हल्दी एक शक्तिशाली हीलर और एंटीसेप्टिक है। इसमें करक्यूमिन नामक तत्व होता है जिसमें कि सूजन को कम करने वाले उत्कृष्ट गुण होते हैं जो कि रक्त में सूजनशील रसायनों के स्तर को कम करने में सहायता करते हैं। 2 से 3 ग्राम हल्दी को पानी में डालकर उबाल लें और जब यह ठंडा हो जाए तो गठिया दर्द और सूजन से राहत के लिए इसका सेवन आप करें और इसकी अत्यधिक मात्रा से बचें क्योंकि इससे रक्त की मोटाई प्रभावित हो सकती है और आपके पेट में परेशानी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों बात करें गुग्गुल की, तो गुग्गुल आयुर्वेदिक दवाओं में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली एक जड़ी बूटी है। गठिया का स्वाभाविक और प्रभावी ढंग से इलाज करने के लिए 2000 से अधिक वर्षों से इस जड़ी बूटी पर भरोसा किया जा रहा है और यह एक शक्तिशाली हीलर है जो कि गठिया की सूजन के मूल कारण को मारती है और यह लालिमा और सूजन को कम करने में भी मदद करती है। गुग्गुल जो है वो शरीर की चयापचय प्रक्रिया में सुधार करती है और अमा को पचाने में भी मदद करती है और जिससे कि यह गठिया के मूल कारण को प्रभावित करती है। और आप ये जानकर चकित होंगे कि कुछ मरीजों ने सिर्फ 3 दिनों में रिकवरी देखी और 3 महीने के भीतर उन्होंने गठिया रोग में काफी बदलाव पाया है। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो है अश्वगंधा। दोस्तों अश्वगंधा का उपयोग व्यापक रूप से आयुर्वेद में सूजन को कम करने वाली एक जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है और यह जोड़ों में दर्द और सूजन को कम करती है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाती है और यह जोड़ों के डीजनरेटिव प्रक्रिया में एक बाधा के रूप में कार्य करता है और इससे प्रभावित जोड़ों को नुकसान से बचाता है। अश्वगंधा के सूजन को कम करने वाले संधिशोथ लाभों के लिए इसकी चाय का 1 कप आप पिए। रूमेटिक संधिशोथ के रोगियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक सक्रिय हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों जो उपाय है वो है तुलसी। दोस्तों तुलसी का पौधा जिसे भारत में पवित्र तुलसी का पौधा कहा जाता है और इसमें गठिया को दूर करने वाले गुण होते हैं और यह 24 घंटे की अवधि के भीतर प्रभावित जोड़ों की सूजन को कम कर देता है और इसीलिए इसे गठिया के उपचार में दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। रोजाना कम से कम 3 से 4 तुलसी के पत्ते खाएं या इसकी चाय का सेवन करें और गठिया को दूर करने वाले गुण होने के कारण तुलसी से इसका उपचार में दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। Thanks for your time.